हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी लेवल्स। क्योंकि कल आप प्रीवियस वीडियो दे विच अपने ये डिस्कस किया सी भी किस तरह बोहर्स दियाँ पोस्टुलेट्स किस तरह उन्होंने दित्तियां सीगियां, है ना। फिर उस तो बाद अपने रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट कढ़ना सीखिया सी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट दे नाल नाल ही मैं तुहानू दस्सिया सी भी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अज आप एनर्जी लैवल्स बारे डिस्कस करांगे भी एनर्जी लैवल्स किस तरह फॉर्म होंगे। क्योंकि अपन पता है भी थ्रू बोहर्स पोस्टुलेट, थ्रू बोहर्स एक्सपैरिमेंट, थ्रू बोहर्स मॉडल वी हैव टू फाइंड द एनर्जी एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट, है ना। ई एन कल मैंने तो फाइंड आउट करवाई सी माइनस एम ई द पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्साइलन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये नाल ही मैं तुम्हें हाइड्रोजन एटम की भी एनर्जी फाइंड आउट करनी सिखाई सी। क्योंकि अपन पता है मास ऑफ हाइड्रोजन किन्ना होंदा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किन्ना होंदा 9.1 × 10⁻³¹। ई दी वैल्यू किन्नी होंदी है 1.6 × 10⁻¹⁹। जेड इज इक्वल टू 1.8 एप्साइलन नॉट 8.854 × 10⁻¹². एंड अपन पता नहीं कि ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम लाई कर रहे हैं। एंड एच इज द प्लैंक कॉन्सटेंट 6.63 × 10⁻³¹। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज वी हैव फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ई इज इक्वल टू −13.6/n² इन द जाउल। पहले अपन जाउल्स फाइंड आउट की सी एंड बाय द डिवाइडिंग जाउल एनर्जी 1.6 × 10⁻¹⁹ वी कैन कन्वर्ट जाउल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो उन्होंने सारी चीज़ पता ही है। ओके, आज आप फाइंड आउट करांगे हाउ टू फाइंड आउट द एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो लिसन टू मी केयरफुली। ओके, मैं उम्मीद है भी तुसी ये वाला टॉपिक फुली अंडरस्टैंड करोगे अगर तुसी ध्यान नाल समझोगे। देखो फर्स्ट है, मान लो अपने को एन दी वैल्यू 1 है। एन इज़ नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुसी एज वी हैव स्टडीड अबाउट एन, एन इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द केमिस्ट्री। आप पढ़ चुके हैं चीज़। जे एन दी वैल्यू 1 है दैन एन दी वैल्यू तुसी इतने 1 पुट करो, −13.6/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट किन्ना आया, −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। दिस इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर आप लोअर स्टेट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, दैन एन इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑलसो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एन की वैल्यू 2 पुट की, एन स्क्वायर है मतलब 2² 4 वो आ गई −13.40। फिर मैंने एन की वैल्यू 3 पुट की, दैन मेरे को 9 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, एन स्क्वायर आ, दैन −1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। By putting these values 4, 5, 6, 7 we show that we proved that when we increase the nth values, we increase the nth values, n is equal to 1, 2, 3 and so on infinity, energy goes on increasing। अपन ये मान रहे हैं नहीं, एक्सपेरिमेंट लिए प्रूवड है। देखो ए दी वैल्यू 4 पुट की मैंने, एन दी वैल्यू 4, दैन −0.84 आया। फिर वाई पुटिंग दीज वैल्यूज 5, 6, 7, 8 दैन मेरे को आंसर जीरोज दे विच आन लग गया। फाइनेटली अपने को जो मैंने इनफिनिटी पुट की, यू कैन थिंक दैट अपनी वैल्यू किन्नी आई एनर्जी दी, 0 आ गई। मतलब इस तो मैं ये शो होया, इफ वी इनक्रीज द वैल्यू ऑफ एन दैन वी सी दैट, वी शो दैट देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी। हूँ देखो तुसी ध्यान नाल देखो, कल मैंने तुम दो लैवल्स करवाए सी, वन इज लोअर लैवल जिन्हों अपने बोलिया सी ई के, एंड हायर लैवल नूं अपने ई आई बोलिया सी। मैं तुहानू की कहा सीगा, ये गल ध्यान नाल समझो हुण, भी जदों तक कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लैवल पर आ दैन उन्होंने लोअर पर आने के लिए उन्होंने की करना पू, एनर्जी एमिट करनी पू। बट जे वह लोअर तो हायर वल जाना जा रहे हैं दैन उन्होंने एनर्जी की करनी पू, एबजॉर्ब करनी पू। इन द सेम वे की है, मान लो अपने को एक न्यूकलीयस आदि को जो इलेक्ट्रॉन, मान लो अपने को वाला न्यूकलीयस आ, ठीक है, इतने मेरे को इलेक्ट्रॉन पे हो, इतने इलेक्ट्रॉन पे हो, आ मेरे को ऑर्बिट्स ने, आ मेरे को इन्ने ऑर्बिट ने, एक इलेक्ट्रॉन इत्थे पिया होया, ठीक है। तो हुण जिहड़ा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे नेड़े पिया होया
वह इलैक्ट्रॉन क्ढन के लिए मैं वो एनर्जी देनी पू तो वह बाहर निकलूगा। ठीक है, हूँ यही गल इतें समझो, जो हूँ लोअर एनर्जी पर पिया हुआ लावल उन्होंने मैंने हायर से लैके जाना है, दैन मैं एनर्जी प्रोवाइड करनी पू ता ही जाऊगा वह, बट जे वो हायर डिस्टेंस से पिया होया दैन मैं उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हालांकि वह तो एनर्जी एमिट करूगा नीचे आने लिए, एवं ये है भी जो न्यूकलीयस के नेड़े है कोई इलैक्ट्रॉन दैन उन्होंने मैं एनर्जी वो देनी पू बाहर क्ढन के लिए। तो आप करते हैं भी जे अपने करंट की प्रोडक्शन करनी है, इलैक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन करनी है, दैन आप इलैक्ट्रॉन फ्री पालते हैं जोड़ा न्यूकलीयस तो लार्जेस्ट डिस्टेंस से पाया हुआ। जे न्यूकलीयस तो लार्जेस्ट डिस्टेंस से आ दैन स्ट्रोंगेस्ट फोर्स घट लगेगी, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स घट लगेगी दैन वो न्यूकलीयस के नाल टाइप नहीं होगा, टाइप नहीं होगा दैन वो इलैक्ट्रॉन ऑटोमैटिकली बाहर निकल जूगा, दैन उस इलैक्ट्रॉन के विद रिस्पैक्ट अपने को इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बट जो न्यूकलीयस के नेड़े पिया हो मैं वो एनर्जी देनी पू इलैक्ट्रॉन बाहर क्ढन के लिए, क्योंकि तो न्यूकलीयस के नेड़े आ उत्ते वो फोर्स लग रही है न्यूकलीयस की। तो इस तरह मैं तुम्हें कल ये चीज़ समझाई सी भी जे तो कोई चीज़ लार्ज डिस्टेंस से पई हुई आ दैन उन्हों तो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, है ना, जिन्होंने अपने फ्रीकुएंसी की फॉर्म के लिखा सी। बट जी चीज़ लोअर एनर्जी लैब से पई हुई आ तो रिवॉल्व ही कर सकती है, वह तो एनर्जी ना तो एमिट करेगी ना कोई इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि वह न्यूकलीयस के घेरे के और न्यूकलीयस उन्होंने जा ही नहीं दे रहा, उन्होंने जो जाना भी पेगा तो अपन ज़्यादा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पू। समझ आ गई गल दी मेरी भी जे तो वह न्यूकलीयस तो दूर है दैन वो ऑटोमैटिकली बाहर चला जाऊगा जिसे विद रिस्पैक्ट इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो तुम बोर्ड एग्जाम के कई बार क्वेश्चन आ जाता भी तुम एनर्जी लावल्स फॉर्म करो, तुम इस तरह एनर्जी लावल्स फॉर्म कर सकते हो। देखो एन इज इक्वल टू वन, वाई पुटिंग द एन इज इक्वल टू वन, दैन अपने कोल केड़ी एनर्जी आई सी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आई सी -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, उन्हें लिखती। फिर वाई एन इज इक्वल टू टू, अपने कोल हायर लैवल आ गया, हायर लैवल दी एनर्जी अपने कोल थोड़ी इनक्रीमेंट हुई, मतलब ये मान के चलो भी वह वाला जो इलैक्ट्रॉन न्यूकलीयस तो दूर है उन्होंने इन्नी एनर्जी की जरूरत है बाहर निकलन के लिए, बट इनू इन्नी एनर्जी की जरूरत है -3.40। फिर न्यूकलीयस थोड़ा जहा होर गए एनर्जी लैवल फॉर्म करने के लिए, एन की वैल्यू 3 पुट की, दैन मेरे को एनर्जी आई -1.51। फिर मैं थोड़ा जहा उपर गई एन की वैल्यू 4, फिर एनर्जी का मेरे को इनक्रीमेंट होया -0.50। फिर मैं जो इनफिनिटी मतलब एवं पुटिंग कर दी गई एन दिया वैल्यूज, दैन मैंने देखा भी जो मेरे को इनफिनिटी वैल्यू पुट होंगी है, क्योंकि 1/∞ का स्केयर तो कि होंगे 1/∞ स्केयर 0 होंगी है, मतलब जे मेरे को बहुत ही दूर पे होया उत्थे एनर्जी 0 आ दैन इलैक्ट्रॉन तो ऑटोमैटिकली बाहर निकल जूगा उतों का, वो तो मैंने एनर्जी प्रोवाइड करन दी ना फिर एनर्जी लूज करन दी जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमैटिकली बाहर निकल जूगा। यह ने एनर्जी लैवल्स जिदे थ्रू आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज फाइंड आउट कर सकते हैं, जिदे थ्रू अपन यह पता चलिया सी भी जे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू नू वधाने आ दैन उहदे नाल अपने कोल एनर्जी का इनक्रीमेंट हुंदा, एनर्जी का इनक्रीमेंट होने के नाल नाल जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ उह न्यूकलीयस तो दूर चला जांदा, न्यूकलीयस तो दूर चला जाने दे नाल की हुंदा इलैक्ट्रॉन ऑटोमैटिकली बाहर निकल जांदा, दैन वह की प्रोड्यूस करता इलैक्ट्रिक करंट नू प्रोड्यूस करता। समझ आ गई बेटा, क्लीयर हो गया ए वाला टॉपिक एनर्जी लैवल, मैनू उम्मीद है भी तुहानू ए वाला टॉपिक तो चंगी तरह क्लीयर आउट हो गया होना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई दैन मैनू कमेंट बॉक्स के दस सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।